नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। पुलवामा आतंकवादी हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जुबान खोली भी तो युद्ध की धमकी देने के लिए। उन्होंने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार करते हुए कहा कि भारत सबूत दे तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर भारत ने सैनिक कार्रवाई की तो वो ऐसा पलटवार करेंगे कि युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है? जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। कि हम अपने सेना के सुरक्षा के जवानों को खुली इजाजत देते हैं कि हमारे शहीद जवानों का यह बलिदान यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पिछले 5 दिनों में हिंदुस्तान की सियासत से उठी इन आवाजों ने पाकिस्तान के प्रधान इमरान खान को बेचैन कर दिया था। उनकी नींद उड़ी हुई थी कि बोलें तो क्या बोलें। 5 दिन तक सोचते रहे कि दुनिया से कहना क्या है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। यहां तक बात कायदे की थी। लगा इमरान खान वाकई भारत की चिंताओं को लेकर एक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गंभीर हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। और ये कहना कि मुझे इंटेलिजेंस दीजिए, इसमें इंटेलिजेंस का क्या सवाल है? जो हैंडलर्स थे जिन्होंने ये अपराध करवाया, जैसे मोहम्मद के लोग, उन्होंने तो सार्वजनिक कबूल कर लिया है कि हमने करवाया। यहां से समझ में आ गया था कि इमरान खान किसके इशारे पर बात कर रहे हैं, उनके शब्द किसने चुने हैं और वो किसका मोहरा बनकर रह गए। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर सेंसर की कैंची चली थी। 6 मिनट के बयान में 22 कट। पहले तो आपने ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। पाकिस्तान कोई और। प्रधानमंत्री इमरान के बयान में यह कट पाकिस्तान की सेना ने लगाए थे, ISI ने लगाए थे, कट्टरपंथियों की जमात ने लगाए थे, ये इमरान ही जानते होंगे। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने जो कहा वो भारत को सीधे सीधे धमकी थी। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लगा था कि बड़े क्रिकेटर रहे इमरान खान 2 देशों के रिश्ते में भी खेल भावना का परिचय देंगे, लेकिन आतंकियों के सरपरस्त देश के प्रधानमंत्री से इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात, अल्लाह बेहतर जानता है। अब देखिए कि इमरान खान बातचीत के पहल का इरादा जता रहे हैं और उनके मंत्री सीधे सीधे सबसे बड़े युद्ध की धमकी दे रहे हैं। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। जैसे मोहम्मद के जन्मदाता और पालनहार पाकिस्तान ने बता दिया है कि वहां क्या हैसियत है एक चुने हुए प्रधानमंत्री की और क्या हैसियत है सरकार की। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, ये सब
ये हमारे जवान तय करेंगे। पाकिस्तान भारत के रुख से भारी दबाव में है, दुनिया भर के देशों ने उसे लानतें भेजी हैं। इमरान खान अब सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम होशियारियां बेनकाब हो चुकी है। वी डिमांड पाकिस्तान टू स्टॉप मिसलीडिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टू टेक क्रेडिबल एंड विजिबल एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स ऑफ पुलवामा टेररिस्ट अटैक एंड अदर टेररिस्ट एंड टेरर ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम एरियाज अंडर देयर कंट्रोल। आज तक ब्यूरो। इमरान के जवाब से यह सवाल और भी गर्म हो गया है कि क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है और क्या पाकिस्तान भारत के सब्र को समझ नहीं पा रहा। इसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया है। सेना ने साफ साफ यह कह दिया है कि कश्मीर में अब जो बंदूक उठाएंगे उन्हें मरना होगा। इस बीच देहरादून में जब मेजर ढूंढियाल का ताबूत रखा गया तो सारा आलम रो पड़ा। Rather be very strong because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. Damn it! इन आंसुओं और हिचकियों पर पहाड़ के पत्थर पिघलकर पानी हो गए। नश्वरता के चट्टानी शिखर पर खड़ी अमरता मेजर विभूति की शहादत पर इठला रही थी, क्योंकि जीने के सलीके तो सब सीखते हैं लेकिन मौत के ऐसे बयान सबको मयसर नहीं होते। जिस समय मेजर विभूति ढोंडियाल के ताबूत को उठाया जा रहा था उसी समय सेना CRPF और BSF के अफसर एक साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर रहे थे कि अब बस, अब एक भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं। Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन के सख्ती उस समय कश्मीर के पत्थरबाजों और दहशतगर्दों को संदेश दे रही थी जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे। Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government. So that they can join the mainstream and pursue with their life and the future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. पुलवामा की घटना के बाद सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। उन्हें कहां जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, ये उन्हें ही तय करना है। हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है आपने अपनी बर्बादी देखी है। छूट मिलते ही सेना ने सीमित दायरे में सारे मोर्चे खोल दिए और इससे पाकिस्तान सकते में है। उन्होंने ये कबूला भी है तो उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है, तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है, इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। जिस तरह से पुलवामा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे दहशतगर्दों के होश उड़े हुए, उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल रही और जिस पाकिस्तान की शह पर वो पल रहे थे वो युद्ध की दहशत में घुटनों के बल आ गिरा है। दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? सेना ने सोच लिया है कि इस झांसे में नहीं आना, क्योंकि सच का रेशा रेशा साफ है कि पुलवामा में हमला करने वाले कहां से आए थे और किसने भेजे थे। I told you, कई गाजी आए कई गाजी गए, तो परवाह मत करो, don't worry there. सेना का ऐलान है अब कोई सवाल जवाब सफाई नहीं, सिर्फ कार्रवाई, बंदूक का जवाब बंदूक,
बात का जवाब बात। शहीदों के चिताओं से उठी हुई धधक में इस्लामाबाद की हुकूमत की हवेलियां झुलस रही हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे जवान अलग अलग विपरीत मुश्किल परिस्थितियों में अलग अलग मोर्चे पर डटे होते हैं और पता नहीं कब मौत आ जाएगी। आज बेंगलुरु में एयर शो की प्रैक्टिस के दौरान दो सूर्य किरण विमान आपस में टकरा गए। इस टक्कर में हमारे एक पायलट की मौत हो गई। यह अवसर सेना के सामने खड़ी चुनौतियों पर गौर करने का भी है। ऐसा लगा जैसे हवा में दो पंछी आपस में टकरा गए हों और उनके प्राण निकल गए। लेकिन जब वो धरती के कुछ करीब आए तब समझ में आया कि ये भारतीय वायुसेना के दो विमान हैं। अफरा तफरी मच गई। हुआ ये है कि बेंगलुरु के येलहांका वायुसेना एयरबेस पर 20 फरवरी को होने वाले एयर शो की तैयारी चल रही है। इसके लिए एयरफोर्स के फाइटर प्लेन रिहर्सल कर रहे हैं। सुबह सुबह सूर्य किरण टीम के दो हॉक विमानों ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही पलों के बाद दोनों आसमान में ही टकरा गए। इस चक्कर से दोनों विमानों में भयानक आग लग गई। दोनों विमानों में कुल 3 पायलट सवार थे। दो ने तो समय रहते अपने आप को फाइटर प्लेन से बाहर निकाल लिया, लेकिन एक पायलट इसमें नाकाम रहा, उसकी मौत हो गई। इस घटना ने भारतीय वायुसेना में विमानों की स्थिति पर भी सोचने का मौका दिया है। देखिए कितनी जरूरत है और कितनी असलियत। 44 स्क्वाड्रन होने चाहिए और 33 स्क्वाड्रन है, मतलब 11 स्क्वाड्रन कम। 200 लड़ाकू विमानों की और जरूरत है, 10 अवाक्स की जरूरत है, 90 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को फौरन बदले जाने की जरूरत है, 200 कामोव हेलीकॉप्टरों की जरूरत है, 52,741 सैनिक चाहिए और कम से कम 2,000 आर्टिलरी गन की जरूरत है। 2012 से ऐसा कोई साल नहीं आया जब जगुआर, मिग और सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त न हुए। कई संसदीय समितियों ने लगातार ये बात उठाई है कि ये विमान हमारी सेना के पायलटों के लिए उड़न ताबूत बन गए, इन्हें तत्काल बदले जाने की जरूरत है, लेकिन अलग अलग कारण और परिस्थितियां इसे आगे के लिए टालती रही। आज तक पूरा देश हमारे जवानों की शहादत को याद कर रहा है, दीप जला रहा है। आज तक ने दिल्ली के इंडिया गेट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आवाज लगाई तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई, आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं है, तो शहीदों के नाम एक दिया आज हम सब यहाँ पर प्रज्वलित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भारत सेना के बाद अब आइए राजनीति पर। आज कैबिनेट की बैठक थी, चुनाव से पहले हुई। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जिनसे वोट को साधा जा सके, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% कर दिया गया, तो 3 तलाक अध्यादेश को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक के बाद अरुण जेटली बोलने आए तो सबको इंतजार था कि वो पुलवामा हमले पर भारत सरकार के विचार के बारे में कुछ कहेंगे, इमरान खान की चेतावनी पर कुछ कहेंगे, 15 दिन में 46 शहादत पर सरकार की चिंताओं पर कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन असल में वो चुनावी साल में चुनावी फैसलों की बात करने आए थे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा 38,48,000 कर्मचारियों को मिलेगा और इस मद में सरकार पर 9,168 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया गया तो चुनाव में बीजेपी फिर से कमाल कर सकती है, इसीलिए उसने तनख्वाह से लेकर तलाक तक पर फैसले किए हैं। कैबिनेट ने 3 तलाक पर भी अध्यादेश को मंजूरी दी है।
किसानों के लिए कुसुम नाम से सोलर सब्सिडी योजना शुरू की गई है। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं अहमदाबाद के मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी दी गई। मोदी सरकार जाते जाते हर वो पैंतरा आजमा लेना चाहती है जो चुनाव में वोट का खजाना बटोर सके, लेकिन ये फैसले जनता का कितना विश्वास हासिल कर पाते हैं ये जनता ही तय करेगी चुनाव में। आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।